भैया अभी मेरा नमूना तैयार हो गया है। अच्छा भैया, अब ये नमूना कहीं दूसरे के नमूने के साथ मिल ना जाए, इसलिए हम एक यहाँ पर्ची डालेंगे। अच्छा, पर्ची में भैया नाम, गांव, दिनांक, खेत का पहचान, ये सब लिख के डालेंगे। अच्छा, जैसे भैया किसान का नाम है सुरेश कुमार करचाम। अच्छा, और गांव का नाम भैया डुंगरिया, पोस्ट ऑफिस अमरपुरा, जिला डिंडोरी। अच्छा भैया, और भैया खेत का जो मिट्टी का सैंपल नमूना लिए हैं उसका दिनांक है 07/06/2010। अच्छा भैया, ये भैया, और फिर खेत का पहचान। खेत का पहचान मतलब भैया जिसका ये खेत सड़क किनारे, तो सड़क किनारे। हाँ भैया, सड़क के किनारे वाले भी लिख देते हैं। अच्छा भैया, ये भैया, ये तो अच्छा बता दिया आपने भैया। इस नमूना को हम इसके अंदर डाल देंगे ऐसा डाल के भैया, और कोई सुतली या रबड़ में इस तरह से बांध के, और फिर इसके चेक के लिए भिजवा देंगे। अच्छा भैया, इसको सैंपल को भेज देंगे। हाँ भेज देंगे। अच्छा, अच्छा बताया भैया ये। भैया जब इस सैंपल को हम परीक्षण के लिए भेजा देंगे, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि आने वाले फसल में हमको कितना खाद लगेगा। अच्छा भैया, ये आने वाली फसल का हमें पता चल जाएगा, पता चल जाएगा भैया कि हमको कितना खाद है मिट्टी में, तो उस हिसाब से फिर हम खाद मिलाएंगे। खाद मिलाएंगे। अच्छा भैया, ये तो अच्छा है भैया कि आपने इतना अच्छी विधि बताई हमें। हाँ भी। और इतना समय भी दिया, इतनी सारी जानकारी दी हमें। हाँ भैया, तो इससे हमारे और किसान भाई भी इस विधि से पता लगा सकते हैं कि अपने अपना पोषक तत्व कितना है, और उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ भैया, इसके भैया बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जय राम, जय राम।